ओके, सो इन लास्ट क्लास वी वेर स्टडिंग अबाउट, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या सीखे थे? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, फ्यूगेशन नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आज हम लोग अभी एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े। नाम सुने हो कभी यस सर, इसका? क्या एग्रो जेल? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। सर, और क्या जानते हो बताइए। साउथर्न ब्लॉटिंग में भी यूज होता है। सॉडन ब्लॉटिंग। ठीक है, चलिए आज हम क्लास में ध्यान देना आप लोग, ये बहुत टेक्निकल चीज है। अगर समझ जाओगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड अगर आगे चूज करोगे तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एग्जाम में भी आता है ये सब। जो टेक्निक हम बता रहे हैं ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, आता है। किसी कोई भी इसमें से 2-3 दे देगा, लिखिए इस पर। ठीक है, तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है एक्चुअली। सिर्फ पॉइंट नंबर 1, ये क्या है एक्चुअली? सेपरेशन टेक्निक है। क्या है ये? सेपरेशन टेक्निक है, एनालिटिकल सेपरेशन, सेपरेट टेक्निक। समझे? सेपरेशन क्या था, वो भी एक तरह से सेपरेशन टेक्निक ही था। ठीक है, ठीक है। और कॉलोरीमीटर क्या था? जी, टेक्निक था, उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं एब्जॉर्बेंस का। तो इसी तरह से ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और उस डिफरेंट टेक्निक्स का डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, जो उस टेक्निक पर वर्क करता है। तो ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज बेसिकली ए सेपरेशन टेक्निक वेयर वी आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड अपॉन देयर साइज, और आप कह लो मॉलिकुलर वेट। क्योंकि डीएनए आप लोग ऑल पढ़े हो, डीएनए इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर इन लेंथ। वन डीएनए मॉलिक्यूल कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड आल्सो, ओके, एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड विथ ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो डीएनए इज लाइक ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास के बेस पर हम इसको सेपरेट करेंगे। क्योंकि डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। वन बेस पेयर का भी अगर डिफरेंस हो जाएगा एक डीएनए फ्रेगमेंट से दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट में, बोथ द डीएनए फ्रेगमेंट विल बी हैविंग डिफरेंट मासेस। डन, ओके। एंड द चार्ज इज कॉन्स्टेंट ओवर द डीएनए फ्रेगमेंट। क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप्स है, निगेटिव चार्ज है, तो कॉन्स्टेंट है वो निगेटिव चार्ज। सब जगह एक एक फॉस्फेट ग्रुप है। निगेटिव चार्ज इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। सो द ओनली फैक्टर हियर फॉर द सेपरेशन विच विल बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन इज मॉलिकुलर मास ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। सो इन दिस टेक्निक बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर मास ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दे आर सेपरेटेड। हम क्या करते हैं बेसिकली, मोटा मोटी समझा देते हैं। वी गिव देम इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए, एज डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, आई टोल्ड यू डीएनए इज निगेटिवली चार्ज थ्रू आउट इट्स लेंथ। सो द निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल विल माइग्रेट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं निगेटिव यानी कैथोड से एनोड की तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव, एंड डीएनए पार्टिकल, डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो निगेटिवली चार्ज, सो डीएनए मॉलिक्यूल विल ऑल्सो मूव फ्रॉम निगेटिव पॉइंट, निगेटिव निगेटिव निगेटिवली चार्ज दैट इज कैथोड टू द पॉजिटिवली पॉजिटिव टर्मिनल विच इज एनोड. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिए निगेटिव पॉजिटिव, तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज सो इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. क्लियर है? यस सर. ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, ये पूरा उसका एक पावर सप्लाई है जो कि वोल्ट देता है, हम 250 वोल्ट, अगर जल्दी दौड़ाना है तो ज्यादा वोल्ट सेट कर देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, ठीक है, और अगर हमको फाइन चाहिए, एकदम अच्छा से रिजॉल्व चाहिए तो कम पर ज्यादा टाइम तक रन करते हैं. और इस टैंक में ये जेल है, ठीक है, आगे हम अभी बताएंगे आपको, अभी आप समझ लो ये जेल है, अभी आगे हम बताएंगे जेल क्या होता है. इस जेल के अंदर वेल बनाया जाता है, जेल पहले लिक्विड स्टेट में होता है और इसमें एक हम कॉम्ब डाल देते हैं, कॉम्ब जो है, और उसके बाद जेल को पोर कर देते हैं, उसके बाद जेल ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से जेल सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई होने के बाद कॉम्ब को हम बाहर निकाल देते हैं, तो कॉम्ब को जब बाहर निकालते हैं तो कॉम्ब में जो डिप्रेशन है उसकी वजह से वेल क्रिएट हो गए, और इसी वेल में हम अपने सैंपल डालते हैं और उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई ऑन करेंगे, इसमें बफर भी डालते हैं, बफर भी रहेगा इसमें, नहीं बफर रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रिक करेंट पास करेगा. बफर मतलब ए सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग सुटेबल सॉल्ट्स, ट्रीस होता है, ठीक है, इसका पीएच मेंटेन करने के लिए, तो इस बफर में करेंट जनरेट होता है और उस करेंट के जनरेट होने से मॉलिक्यूलर वेट, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल भारी है, जिसका मॉलिक्यूलर ज्यादा है, जिसमें बेस पेयर ज्यादा है वो पीछे छूट जाता है, जिसका जिसमें कम बेस पेयर है वो आगे चला गया, हल्का है तो 2-3 घंटा तक रन करने के लिए चला देते हैं, देख लेते हैं, वो सब मेजर कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं कि बाहर ना चला जाए, ये भी ध्यान, तो इसके लिए इसमें एक डाई मिला दिया जाता है, मिथाइलिन ब्लू करके डाय होता है, ब्रोमोफिनोल ब्लू बोलते हैं उसको, ठीक है, जाइलिन साइनोन बोलते हैं, दो तरह का डाय होता है, ब्रोमोफिनोल ब्लू एंड जाइलिन साइनोन, तो ये डाय रहता है, इससे ये दिखता रहता है आपका बैंड कहाँ पर है, आपका सैंपल कहाँ पर है, डाय के साथ ये मूव करते रहा और देख लिए बाहर ना निकल जाइए टैंक के, यानी जेल से बाहर, और ज्यादा देर तक रखेंगे तो जेल से बाहर आ गया, टैंक में चला गया तो वेस्ट हो जाएगा सैंपल, देख लिए यहाँ तक आ गया, बंद कर दिए. उसके बाद इसको अंडर यूवी हम विजुअलाइज करते हैं डीएनए, ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? सपोज इफ यू आर डूइंग अ पीसीआर और आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर यू ट्रीट द सैंपल विद डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड यू एनालाइज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक पीसीआर प्रोडक्ट है, आपने एनालाइज किया, पीसीआर किया, आपको देखना है, चेक करना है कि वेदर माई सैंपल इज कंटेनिंग द पीसीआर प्रोडक्ट और नॉट, आंख से तो दिखेगा नहीं, वो सॉल्यूशन में होता है डीएनए, सो फॉर दैट यू विल रन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड विजुअलाइज दैट योर सैंपल. क्लियर है यहां तक सबको? यस सर. तो बहुत सिंपल चीज है, आप लोग समझ लो कि हम ये नोट आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली चार्ज्ड है, हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप है, हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली चार्ज है, ऐसा नहीं कि किसी न्यूक्लियोटाइड में 4 फॉस्फेट ग्रुप है, किसी में 2 है, किसी में, हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, तो कॉन्स्टेंटली चार्ज है थ्रू आउट इट्स लेंथ पर मास, इसीलिए लिखा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास, सो द स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव थ्रू द जेल फास्टर देन द लार्जर वंस, तो टोटल जो फैक्टर हो गया, डिपेंडिंग फैक्टर क्या हो गया कि अब उसमें बेस पेयर कितना है, जो ठीक है ना, ये वाला कंट्रीब्यूट नहीं होगा, होगा भी तो सब पर इक्वल कंट्रीब्यूट होगा चार्ज का, अगर चार्ज 0 होता
डीएनए पर, तो वो माइग्रेट ही नहीं करता, चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसी वजह से वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरह डीएनए फ्रेगमेंट इज मूविंग। ओके, अगर कोई न्यूट्रल तुम मॉलिक्यूल इसमें डाल दो, कोई प्रोटीन डाल दो जिसका चार्ज न्यूट्रल है, तो वो माइग्रेट नहीं करेगा। क्यों करेगा माइग्रेट? सिर्फ बफर का सॉल्ट माइग्रेट होगा, लेकिन यहां पर चूंकि ये निगेटिवली चार्ज है, बफर का करंट के थ्रू बफर का सॉल्ट ऑल्सो इज माइग्रेटिंग एंड अलॉन्ग विद द सॉल्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑल्सो मूविंग। तो जो भारी वाला है वो पीछे छूट रहा है, किसी भी पॉइंट पर जब आप स्टॉप करोगे तो मूव सब कर रहा है, ठीक है। जो हैवियर डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो भी मूव हो रहा है, जो लाइटर है वो भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है। फर्क बस इतना है कि जो हैवियर है वो थोड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है, जो लाइटर है वो ज्यादा स्पीड से हो रहा है। तो आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक आध घंटे के लिए जब आप रन करते हो, तब आप पाते हो कि जो लाइटर वाला है वो हैवियर वाले से ज्यादा दूर हो गया, सेपरेट हो गया, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ माइग्रेशन डिफरेंट है। When a gel is stained with a DNA binding dye, the DNA fragments can be seen as bands, each representing a group of same size DNA fragments. ठीक है? तो ये आपको बैंड जैसा दिखता है, and ये इस बैंड में, कहने का मतलब ये जो बैंड है यहाँ पर सब DNA मॉलिक्यूल जो है सबका साइज सेम है। इस बैंड में DNA मॉलिक्यूल का साइज क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया, क्योंकि ये भारी था, ये पीछे छूट गया। मार्कर दिख रहा है, एरो दिख रहा है आप लोगों को? पीछे छुटा हुआ, तो ये लोग का डिफरेंस कितना होगा? फिर ये थोड़ा सा ही उसे सटा हुआ, लेकिन पीछे है, तो थोड़ा सा इससे ज्यादा हैवियर है, फिर ये इससे ज्यादा हैवियर है, ये इससे ज्यादा है, सबसे हैवियर ये है, ठीक है। बाद में इसको हम काट के, यहाँ से जेल काट के निकाल लेते हैं और इस डीएनए को एल्यूट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट में हम यूज करेंगे। If your sample is having the mixture of different sizes of DNA, तो इससे आप separate करके अलग अलग करके निकाल भी सकते हो, अलग अलग size का DNA अलग। Clear है? तो कहाँ use करते हैं? Suppose if you have done a PCR reaction, making many targeted DNA region, or perhaps you have done some DNA cloning, तो DNA plasmid से, now you want to Your PCR has worked or not. बताया थोड़ी देर पहले, आपने एक्सपेरिमेंट किया, PCR लगाया, RFLP किया, अब आप चेक करो कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द DNA जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तब आप क्या करोगे? एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लाज्मा, ठीक है। कब करते हैं, क्यों, क्या इसका औचित्य है, ये हम बता दें। क्यों? जो PCR किया, RFLP, मॉलिक्यूलर जब आप पढ़ोगे और डिटेल में उसके टेक्निक्स, तो ये एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज क्वाइट कॉमन टेक्निक, डेली हम लोग लेबोरेटरी में ये करते थे, डेली का काम हो। प्रिंसिपल मोटा मोटी समझा ही दिया अभी आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट और अदर माइक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन्स। ज्यादातर ये सब मोस्टली जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने में यूज करते हैं, आरएनए और प्रोटीन को, आरएनए को भी सेपरेट करने में भी यूज करते हैं, प्रोटीन्स को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज जो है, चार्ज फैक्टर जो भी आपको समझा है, प्रोटीन पर जो चार्ज है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट डिफरेंट चार्ज प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स है, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड्स है, कुछ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है। तो डीएनए के तरह नहीं, न्यूक्लियोटाइड पर जैसे कॉन्स्टेंट चार्ज, हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है जिस पर एक कॉन्स्टेंट चार्ज है, लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं है। प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड का कंपोजिशन होगा, किसी प्रोटीन में एसिडिक अमाइनो एसिड ज्यादा है, किसी में, तो प्रोटीन जो है चार्ज रेशियो है, प्रोटीन का चार्ज टू मास रेशियो इज डिफरेंट। सो प्रोटीन कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड, बट टू एनालाइज द प्रोटीन यू हैव टू कीप इन माइंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो को नलिफाई करने के लिए इसके बाद हम लोग एक टेक्निक पढ़ेंगे, SDS पेज, सोडियम डोडेसिल सल्फेट पेज। पेज का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली एक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस, SDS पेज। ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस दो तरह के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो
अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोरेसिस बेस्ड अपॉन द बेस्ड अपॉन देयर साइज देयर सेपरेशन देयर माइग्रेशन देयर मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह का है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें हम एग्रोज को जेल एग्रोज जेल यूज करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको बोलते हैं सोडियम डोडेसिल SDS पेज, फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सोडियम SDS पेज यूज करते हैं, यहां पर क्या नलीफाई हो गया, यहां पर जीरो हो गया आपका चार्ज टू मास रेशियो को इग्नोर कर देते हैं तब ये, और उसमें चार्ज टू मास रेशियो को हम कंसीडर करते हैं, जब वो वाला टेक्निक पढ़ाएंगे तब हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी फिलहाल इसको समझिए ठीक है। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज, ठीक है साइज एंड चार्ज के बेस पर वो सेपरेट होता है, लेकिन चार्ज को होता है सेपरेट चार्ज के बेसिस, अगर चार्ज जीरो होगा तो सेपरेट नहीं होगा, लेकिन चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट है हर डीएनए फ्रेगमेंट में, ठीक है तो इसको आप इग्नोर कर दोगे। अब जो नेट रिजल्टेंट जो है माइग्रेशन के डिफरेंस का वह जो है बच गया साइज। इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स रनिंग ए करंट थ्रू ए जेल कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है योर डीएनए प्रेजेंट इन द सैंपल, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल थ्रू द जेल इन डिफरेंट डायरेक्शन और एट डिफरेंट स्पीड्स, ये इसका पूरा प्रिंसिपल है डिफरेंट डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट स्पीड अलाउइंग देम टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और अगर हम उसका डायरेक्शन सेम कर देंगे एक डायरेक्शन कर देंगे तो उसी डायरेक्शन में वो माइग्रेट करेगा, यानी आपने इसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ चार इलेक्ट्रोड के थ्रू, यानी इसका डायरेक्शन सिर्फ यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसी डायरेक्शन में माइग्रेट होगा। अगर सपोज शुरुआत में क्या होता है जब नया नया इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है तो बच्चा लोग गलती कर देता है, तो उसको मेन प्रिकॉशन यही समझाते हैं कि जिधर वेल हो उधर निगेटिव इलेक्ट्रोड लगाना, ये ब्लैक कलर का होता है ठीक है, बस ये थंब रूल है। अगर ये उल्टा कर दिया पॉजिटिव इधर कर दिया निगेटिव इधर कर देगा तो हमारा डीएनए जो है इधर जाने के बजाय इधर थोड़ा ही दूर है इधर से इधर निकल के बफर में आ जाएगा कंटेनर में, ये पूरा जो बर्तन है इसमें फैल जाएगा उल्टा इधर भाग जाएगा, और इधर थोड़ा ही दूर है तुरंत निकल जाएगा बाहर, यानी थोड़ा देर लगाए 5-10 मिनट में बाहर सैंपल आपका सैंपल खत्म लॉस। तो हमेशा दिस इज मस्ट कि निगेटिव जो है वो वेल के पास हो, तब इसको इतना दूर जगह मैदान मिला दौड़ने के लिए ठीक है। सो ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास, जो हम बार बार बोल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट्स बेस्ड ऑन द साइज ओनली, यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन सी हाउ मेनी डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल एंड हाउ लार्ज दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो इसके द्वारा हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे सैंपल में कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स थे ठीक है, और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स का रिलेटिव साइज क्या था, क्या था उनका साइज, तो यह भी पता लग गया। आप रन करोगे उसके बाद जब इसको विजुलाइज करोगे, यहां से चला था एक बैंड, वह एक मोटा एक बैंड था जब सैंपल लोड किया, उसमें हर फ्रेगमेंट का डीएनए जो सैंपल में था सभी था मिक्सचर था। अब नाउ डिपेंडिंग ऑन इट्स साइजेस मॉलिक्यूलर मास वो फ्रेगमेंट जो है डीएनए के सेपरेट आउट हो गए, तो आप गिन लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहोगे इस सैंपल में 9 तरह के फ्रेगमेंट्स थे और उसमें इतना मॉलिक्यूलर। अब साथ साथ हम लोग क्या कमर्शियली अवेलेबल लैडर होता है, लैडर कंपनीज बनाती है, वो लैडर में डिफरेंट मॉलिक्यूलर डिफरेंट होता है। आज आप म्यूट कर लो, नॉइज हो रही है, म्यूट हम ही कर दिए थे। चलो
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं पहले ये बताओ। यस सर समझ आ रहा। नया चीज तो नहीं है? सर आ रहा इसमें। नहीं नहीं समझ में आ रहा सर, हम लेट से ज्वाइन किए इसलिए। लेट किया तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां तक कैच कर लेना है ना, जल्दी सिलेबस ठीक से है क्योंकि मजबूरी है, कभी भी हम कॉल कर लेंगे आ जाओ भैया। पर आज का दिन ठीक है, ट्यूजडे और फ्राइडे आप लोग एकदम सुबह से शाम तक फ्री रखो अपने आप को, सर कभी भी बुला लेंगे पढ़ने, बाकी सब दिन हमने बुला रहे ट्यूजडे और फ्राइडे। अब चूंकि आज कॉलेज बंद है तो सारा दिन ऑनलाइन, अगर कॉलेज खुला रहता तो जो दो क्लास लिए उसके बाद यही चीज पढ़ाते डिपार्टमेंट में, तो इस चीज का आप लोग कोऑपरेट। और अभी भी तुम अभी यहाँ से भी समझना शुरू करो ना, समझ में आ जाएगा। हम ज्यादातर चीज सब रिपीट ही कर रहे हैं ठीक सर, हर पॉइंट को बोल रहे हैं। ओके सो तो मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल लैडर है। लैडर क्या होता है? एक रेफरेंस है जिसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर लेंथ का, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का नॉन मॉलिकुलर मास ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। तो अगर आपको जैसे लैडर दिए, एक लैडर है तो उस सैंपल में, एक्चुअली वो सैंपल ही है बट उस सैंपल में हमको पता है कि 10,000 बेस पेयर का एक डीएनए फ्रेगमेंट है, 20,000 बेस पेयर का एक डीएनए फ्रेगमेंट है, 30,000 बेस पेयर का एक डीएनए फ्रेगमेंट है, 50, तो इस तरह से 10-12 तरह का उसमें रहता है। और उसको भी जब हम सैंपल रन करते हैं तो एक वेल में उसको भी रन कर दिए तो वह एक तरह का रेफरेंस बन जाता है। तो जो 10,000 वाला जो सबसे हल्का था उसमें सबसे लाइट बैंड, उस सबसे आगे वाला को समझ लेते हैं 10,000, 7 बैंड उसमें बनना चाहिए, 7 डीएनए फ्रेगमेंट से गिन लिए, हाँ 7 तो है, तो ये 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000, सबसे भारी वाला जो था पीछे छूट गया। अब हम सैंपल जो रन किए थे साथ में उसको कंपेरिजन कर लेंगे, वो कहाँ पर आ रहा है, 10,000 के पास में है कि 20,000 के पास में, तो कंपेरेटिवली हम उसका निकाल लेंगे, बेस पेयर लेंथ भी हम जान पाएंगे। फिर फर्दर उसको बहुत तरह का अवेलेबल रहता है, 100 बेस पेयर लेंथ का भी, 500 बेस पेयर गैप का भी कॉमर्शियली अवेलेबल लैडर है। तो उसके बाद हम रिजॉल्व करते करते मोटा मोटी पता कर लेते हैं अंदाज, ठीक है, और एकदम एक्यूरेट पता करने के लिए और एडवांस टेक्निक है, लेकिन इससे भी हम जान लेते हैं। तो सर इसमें पावर कितने का सप्लाई करते हैं सर? पावर आपकी मर्जी पर है, जैसे आप सोचो कि कोई भी काम को अगर धीरे धीरे करो तो बहुत बढ़िया से होता है, और किसी काम को जल्दी करते हो तो उसमें उतना परफेक्टनेस नहीं आता उतना। तो अगर पावर ज्यादा दे दोगे, सपोज इसमें हम पावर 300 वोल्ट दे दिए, ठीक है, तो 300 वोल्ट पावर दे दिए तो उसमें ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो जल्दी भागेगा, ज्यादा जो सबसे हल्का है बहुत ज्यादा भागेगा, जो सबसे भारी है पीछे भागेगा, ज्यादा तेजी से जाएगा। तो आप आधा घंटा तक ही रखोगे, मान लीजिए कम ही देर तक आपको रखना पड़ेगा, और अगर कम पावर दे दिए तो आपको ज्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा अच्छा से रिजॉल्व होने के लिए, सेपरेट होने के लिए। तो फाइन, एकदम फाइन बैंड बनेगा थोड़ा, ये आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि हाँ हमारा डीएनए फ्रेगमेंट इस साइज का है, तो हम 150 वोल्ट के ऊपर एक घंटा तक रखते हैं तो हमको अच्छा पिक्चर मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना पड़ता है आपको, तो हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। हाँ, तो आप ये समझ लो कि ज्यादा वोल्ट दोगे तो ज्यादा करंट होगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, जल्दी आपका सेपरेट हो जाएगा, और अगर कम दोगे तो टाइम ज्यादा टाइम तक के लिए रखना पड़ेगा। मान लो कि अभी आपको काम, हम लोग क्या करते थे, अभी काम है हमको 3 घंटा का, लेकिन हमको जेल भी रन करना है, तो 50 वोल्ट पर चला के छोड़ दिए तो निश्चिंत है, हमको पता है 3 घंटा में ये जो हम रोज करते हैं, हमको पता है कि ये जो बैंड है यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, ये यहीं तक पहुंचेगा। लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं, जल्दी एक्सपेरिमेंट करना, अभी हम टाइम है, हम काम कर रहे हैं, तो 2 घंटा के लिए हम 50 से उसको 80 वोल्ट पर कर दिए तो अब 2 घंटा में फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाता है, तो ये आपके चॉइस पर है, लेकिन बेसिकली क्या है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, आप आगे पीछे करके करोगे, यही तो रिसर्च है, ठीक ठीक है। तो प्रिंसिपल आप समझ गए मोटा मोटी, फिर से समझा देते हैं प्रिंसिपल इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए विल माइग्रेट,
क्योंकि डीएनए पर निगेटिव चार्ज कॉन्स्टेंट है, हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि निगेटिवली चार्ज है। तो बेस्ड अपॉन द देयर लेंथ, डीएनए का लेंथ कैसे मेजर करते हैं, बेस पेयर में, पढ़े होंगे बेस पेयर में मेजर करते हैं। 1000 बेस पेयर लेंथ वाला डीएनए मॉलिक्यूल से बड़ा है, 2000 बेस पेयर लेंथ वाला मॉलिक्यूल डबल भारी हो गया उससे 2000, ठीक है। तो जो ज्यादा भारी है वो पीछे छूट जाएगा, हल्का वाला आगे चला जाएगा, कैसे, इस जेल के अंदर। ये जेल में हम सैंपल लोड कर दिए, ये जेल जो है एग्रोज का बना होता है। एग्रोज क्या है, एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, आर्टिफिशियल पॉलीसेक्राइड है, इसको बनाया फैक्ट्री में, मैनमेड, किसी प्लांट में नहीं मिला, मैनमेड आर्टिफिशियल पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड कह सकते हो, 8 वो इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स होता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज ये सब करके, उसका ब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक्चुअली होता तो है पाउडर के फॉर्म में, ड्राई पाउडर के फॉर्म में डिब्बा में आता है, बहुत कॉस्टली होता है, 50,000-60,000 रुपये किलो दाम रहता है, इसे बहुत कॉस्टली होता है, किलो नहीं, एक 100 ग्राम हम लोग खरीदते थे 25,000-30,000 में, मतलब इतना कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो उसको हम मेजर कर वे कर लिया। अब इस जेल को बनाना है, स्ट्रेंथ देते हैं पहले, जेल पतला भी बना सकते हो, मोटा भी बना सकते हो, गाढ़ा भी बना सकते हो। तो जब एग्रोज जो है उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद तो एक एग्रोज मॉलिक्यूल जॉइंट्स विद डिफरेंट एग्रोज मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स ए जेल, और उस जेल में डिफरेंट मॉलिक्यूल सब जब ज्वाइन हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो जब ज्वाइन होता है तो पोर्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पोर्स आंख से नहीं दिखेगा, डिफरेंट पोर्स जनरेट हो जाते हैं उस, ये पूरा पोर्स है इसके अंदर, इस जेल के अंदर। अब उस पोर के अंदर डीएनए जो है माइग्रेट करेगा लाइक सर्पेंटाइन मोशन, डीएनए लंबा है, लिनियर मॉलिक्यूल है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो वो अब क्या करेगा, सांप के तरह मुड़ते हुए उसका मुंडी पुच्छी जिधर उसको पोर दिखेगा इस पोर के अंदर घुस के माइग्रेट करते रहेगा, चलते रहेगा। जो हल्का है वो सबसे आगे भागेगा, जो भारी है वो पीछे रहेगा, और जहां पर आप पावर स्टॉप कर दिए वहीं पर रुक गया। अब विजुअलाइज हम कर लिए, तो कैसे होता है, व्हाट इज जेल, एज द नेम सजेस्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स अ जेल, इट इज ए स्लैब ऑफ जेलो लाइक मटेरियल, जेल्स फॉर डीएनए सेपरेशन आर ऑफन मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड कॉल्ड एग्रोज व्हिच कम्स एज ड्राई पाउडर्ड फ्लेक्स, पाउडर जैसा आता है डिब्बा में, उसको हम वेट कर लेते हैं, सपोज 1% जेल बना रहे हैं तो 1 ग्राम ऑफ एग्रोज वेट कर लिए और उसको उसमें 100 ml ऑफ बफर ऐड कर दिए, पानी भी तो देंगे, बफर क्या है, ट्रिस बफर होता है, ट्रिस सॉल्ट एडेड है डिस्टिल वाटर में और EDTA भी एडेड है एंड pH इज एडजस्टेड अराउंड 8, थोड़ा अल्कलाइन pH रखते हैं, और उस बफर में वी एड एग्रोज। अगर 1% बना रहे हैं, 1% का क्या मतलब होता है, ये टर्म भी आप लोग समझ लो, जब हम वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं तो हम ग्राम पर 100 ml कंसीडर करते हैं, और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब मेंशन करते हैं किसी का स्ट्रेंथ तो ml बाय ml कहते हैं। तो अगर 1% वेट बाय वॉल्यूम बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ 1 ग्राम इन 100 ml, 100 ml क्या है यहाँ पर, बफर है, बफर इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, डबल डिस्टिल्ड वाटर बाय एडिंग द ट्रिस सॉल्ट एंड EDTA सॉल्ट, ट्रिस EDTA सॉल्ट उसमें ऐड करके हम बफर बनाए डिस्टिल वाटर को और उसका 100 ml में 1 ग्राम एग्रोज वे करके ऐड कर दिए और उसको माइक्रोवेव ओवन में डाल के बॉयल करते थे। तो बॉयल करेंगे, 2 मिनट रखते हैं, बॉयल हो जाता है तुरंत, बॉयल करने के बाद वो मिक्स हो जाता है, पाउडर जो है वाइट पाउडर जैसा होता है वो पूरा मिक्स होके कलरलेस हो जाता है और पूरा जेल जैसा, मोल्टन जेल जैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड एक डाय है, ETBR शॉर्ट फॉर्म होता है, कार्सिनोजेनिक है, इज वेरी डेंजरस। इथिडियम ब्रोमाइड का प्रॉपर्टी होता है डीएनए के
दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जाके स्टैक कर जाता है और यूवी लाइट को यह एब्जॉर्ब करता है इथिलियम ब्रोमाइड, और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यह ऑरेंज येलोइश ऑरेंज कलर का यह चमकता है इथिलियम ब्रोमाइड। क्यों डालते हैं इथिलियम ब्रोमाइड, हमको डीएनए को देखना भी तो है, तो हम इसी जेल को ही बनाने के टाइम पर 1% एग्रोज, मान लो 1% बना रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम, तो 1% डाल, तो 1% में छेद जो है बड़ा बड़ा रहेगा, 2% बनाए तो ये और गाढ़ा जैसा बनेगा, तो 2% में थोड़ा छेद उसका छोटा छोटा छेद हो जाएगा, तो 2% में किसी डीएनए को दोहराओगे तो थोड़ा कम दूर तक जाएगा, 1% में दोहराओगे तो ज्यादा तक जाएगा, तो ये भी आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपके डीएनए को इंटरेस्ट में जिस लेंथ का डीएनए पर आप रिसर्च कर रहे हो वो उसके लिए सुटेबल स्ट्रेंथ क्या रहेगा जेल का, ये आपके ऊपर है। 1% करो, तो जैसे मैं जो करता था वो 1.5 वाले करता था, तो 1% जेल करोगे तो पैसा बचता था कि आधा एग्रोज में ही काम चल गया, 2% करेगा तो डबल खर्चा हुआ एग्रोज का, 2% में 2 ग्राम इन पर 100 ml ऐड किए, ठीक है, तो क्या ऐड किए, अभी 1% को ही कंसीडर करते, 1 ग्राम को 100 ml ऑफ बफर में ऐड किए, उसके बाद उसको बॉयल कर लिए, हॉट प्लेट पर भी बॉयल कर सकते हो, माइक्रोवेव में भी बॉयल, उसको बॉयल कर लिए, बॉयल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करते हैं क्योंकि तुरंत बॉयल करने के बाद ही उसमें इथिलियम ब्रोमाइड नहीं डाल सकते हैं, इथिलियम ब्रोमाइड 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो उसको थोड़ा सा रनिंग टैप वाटर में कूल कर लेते हैं 50 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद इथिलियम ब्रोमाइड उसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा 1 माइक्रोलीटर के लगभग 100 ml में बस इथिलियम, और उसके काफ़ी प्रिकॉशन रखा जाता है कि इथिलियम ब्रोमाइड आपकी स्किन से टच ना हो, क्योंकि इथिलियम ब्रोमाइड का प्रॉपर्टी है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जाके स्टैक कर जाता है और परमानेंटली स्टैक करता है वो, फिर कभी निकलेगा नहीं, तो आपके हाथ में टच हो जाएगा तो आपके डीएनए में स्किन के सेल्स के पेनिट्रेट करके, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करके उसके डीएनए में जाके स्ट्रैक करके म्यूटेशन कर देगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, तो इसका काफी ध्यान रखा जाता था। फिर उसके बाद इथिलियम ब्रोमाइड इसमें ऐड कर दिए, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रे जैसा बना के रखते थे, इधर सेलो टेप चिपका दिए, इधर सेलो टेप चिपका दिए, उस ट्रे में कॉम्ब लगा दिए जिसमें ये कॉम्ब कॉम्ब का